स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले एक अपना छोटा सा इंट्रो दें। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अरविंद कुमार उर्फ बिट्टू जी, गाँव लिबर्डी उत्तराखंड जी। हमारा जो काम है वो डेयरी का, पहले मिल्क सेल का काम था। अच्छा, और हमारे काउंटर वगैरह रुड़की में भी थे दो तीन जगह पे। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें प्रॉफिट कम था और पशुओं में लॉस ज़्यादा होता था जी, जी। तो उसके साथ साथ जैसा पशु सेल के लिए लाते थे हम अपने लिए खरीद के, तो उसका बहुत भारी नुकसान भी पड़ता था, ज़्यादा महंगे मिलते थे जी। अब हमने उसके साथ साथ में ये सेल परचेज का काम भी शुरू किया है। अच्छा अच्छा। ये सभी गायें हमारी यहाँ पे सेल परचेज के लिए बंधी हुई हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अब आप मुझे बताइए सर, सेल परचेज का काम आपको बढ़िया लगा दूध वाला? जी, जो सेल परचेज का काम है ये उससे बहुत बेटर है। इससे बेटर है? उससे ज़्यादा बेटर है, उससे बेटर है। एक गाय हमें अगर एक महीने में बिना बीमार कोई दिक्कत के बिना 5 या 6 हज़ार रुपये प्रॉफिट देती है जी। इतना प्रॉफिट एक गाय हमें 2 दिन में भी दे सकती है बिक्री में। हाँ। और एक दिन में भी दे सकती है अगर नहीं बिकती तो दूध, और नहीं बिकती है तो हमारी डेयरी में दूध देती है। तो आपको अपनी डेयरी के जो पशुधन है सेल के लिए उनके रेट और उनकी नस्ल और उनके दूध के बारे में बताता हूँ। चलिए, इसके बारे में बताइए। ये सर, ये जो बछड़ी है हमारे पास जी, जी। ये डेनमार्क सीमन की है जी। और ये अभी 19 है, इसने दांत नहीं किए। अच्छा। लगभग 2.5 साल की एज होगी इसकी। अच्छा। और फर्स्ट लैक्टेशन में है ये, तो इसे हम सेल के लिए लाए हैं। क्या मांग रहे हो सर? इसके बहुत रीजनेबल प्राइस है, 42,000 रुपये। अच्छा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा वो तो जब कोई आएगा उसका पूरा सम्मान रखा जाएगा, क्योंकि कस्टमर की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा। और ये बछिया हमारी है, ये 4 दांत है, ये सेकंड लैक्टेशन में है। अच्छा। पिछले लैक्टेशन में इसने 20+ दूध दिया। अच्छा। अब की बार 25 लीटर की उम्मीद हम इससे करते हैं। अच्छा, भी तो है नहीं है? हाँ, प्रेग्नेंट है ये, अभी लगभग 8 दिन लेगी बयाने में भी, 8 से 10 दिन लेगी। अच्छा, इसका क्या मांग रहे हैं? इसके 58,000 रुपये हैं इसके। चलिए जी, ये सब, ये जो हमारी गाय है ये भी 51 प्रेग्नेंट है, ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है, ये कठड़ी है। अच्छा अच्छा। ये सेकंड लैक्टेशन में है, पिछली बार इसने 12 लीटर दूध दिया है। फटाफट से, ये इसके जो फिलहाल प्राइस है वो 60,000 रुपये हैं। अच्छा। ये 36+। अच्छा, 36+ है। पिछली बार इसने 35 लीटर दूध दिया है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में बताना, इसके प्राइस हैं फिलहाल के जो इस टाइम पे हैं 1,00,000 रुपये हैं। अच्छा जी। पिछली बार इसने 12-14 लीटर दूध किया है। अच्छा, ये 51 है? ये 51 है, इसे 10वां महीना चल रहा है। 10वां महीना। हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में? 6 दांत है ये। अच्छा। ये गाय है, ये 30+ की गाय है, पिछले ब्यात में इसने 30+ लीटर दूध लगभग दिया है। अच्छा। और ये तीसरे लैक्टेशन में है। अच्छा। इसके प्राइस 60,000 रुपये है। अच्छा सर, अभी आगे हम दिखाते रहेंगे, ये बताइए आप कहाँ कहाँ सेल करते हो? ऑल इंडिया में कोई भी कस्टमर हो, ऑल इंडिया में कोई भी कस्टमर हो, सभी के लिए सुविधा है जी। हमारी जो गायें ज़्यादातर गुजरात और कर्नाटक में जाती हैं। अच्छा, कैसे भेजते हो सर? वो ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, वो लोग आते भी हैं और ऑनलाइन भी ले जाते हैं। अच्छा, मतलब नहीं आ रहा तो ऑनलाइन भी आप भेज सकते? हाँ, ऑनलाइन भेज सकते हैं। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमारी पूरी इसकी गारंटी होगी, जो बताओगे वही वही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। ये गायें हैं, ये होस्टन फ्रीजन में है, फिलहाल 4 महीने की प्रेगनेंट है, और इसके नीचे फिलहाल 22 लीटर दूध तैयार है। 22 लीटर जी। इसके लगभग ये मान को चलो आप 55 में छोड़ देंगे इसको। अच्छा अच्छा। ये 40 लीटर की गाय है। अच्छा, कितने ईयर की है गाय ये? लगभग 4 ईयर की, 4.5 ईयर की होगी। 4.5 ईयर जी जी। अच्छा, इसके बारे में? ये सेकंड लैक्टेशन में है, ये 51 है गायें, और इसे 9वां महीना चल रहा है जी। पहले लैक्टेशन में इसने 27 लीटर दूध दिया है, अब की बार ये 30+ जाएगी। अच्छा। इसे 70,000 रुपये की छोड़ देंगे। बढ़िया नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है, और ये साहिवाल का क्रॉस ब्रीड है। अच्छा, साहिवाल का क्रॉस ब्रीड जी, ये जर्सी और साहिवाल का क्रॉस है, ये जो बंधी हुई है जी जी। ये फिलहाल ब्याई हुई है, 20 दिन की ब्याई है, इसके नीचे 18 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, इसका क्या मांग? इसे 45,000 में छोड़ देंगे। अच्छा, चलिए उधर से चलते हैं। ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, अभी 51 है, इसे 8वां महीना 51 को लगा हुआ है, और उसके प्राइस तो जब भी आंत पे आएगी तभी बता पाएंगे अभी। अच्छा अच्छा। कुछ जाना चाहेगा तो ऐसे भी तो कंफर्म नहीं कर सकते अभी, तो वो तो भी आंत के टाइम पे ही होगा। हाँ, मतलब ऐसे इसी हिसाब से। अच्छा, चलो ठीक है, चल। ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। और फिलहाल इसके नीचे 16 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, इसका क्या मांग रहे? अगर इसे कोई ले जाना चाहेगा तो फिलहाल इसे 45,000 में छोड़ देंगे। अच्छा। 4 दांत है। ठीक ठीक। ये गिर और साहिवाल का मिक्स ब्रीड है, ये भी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 13 लीटर दूध फिलहाल तैयार है। ये सेल के लिए नहीं है? ये सेल के लिए नहीं है। ये सेल, क्योंकि ये डेयरी का प्रोडक्ट है, ये घर के लिए है, इसका हम घर में यूज करते हैं दूध वगैरह सब। हाँ, इसके बच्चा ये तैयार किया हुआ है। अच्छा अच्छा। चलिए, इसके बारे में बताइए।
ये पहले लैक्टेशन में है, दो दांत बछड़ी है, फिलहाल इसके नीचे 20 लीटर दूध तैयार है, 60,000 रुपये। ये पहले लैक्टेशन में है लेकिन दूसरी बार प्रेग्नेंट है, 4 महीने की, 17 लीटर दूध तैयार है, 55,000 रुपये में छोड़ देंगे। ये भैंस है, ये 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 18 लीटर दूध फिलहाल तैयार है, 1.10 में 21+ गई है ये। अच्छा, 21+ गई है। ये कटड़ी है, ये कटड़ी दो दांत है, 12 लीटर दूध तैयार है, 20 दिन की ब्याई हुई है जी। इसके साथ में कटड़ा है, इसे 1.10 में छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बारे में। ये राजस्थान की आई भैंस है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, नीचे कटड़ा है, 12 लीटर दूध तैयार है, 85। चलिए इसके बारे में बताइए। ये बछड़ी फिलहाल निकाल रही है हमारी लगभग 30-32 लीटर दूध, 32+ की। हाँ जी, 32+ निकाल रही है। अच्छा, इसे 65 में छोड़ देंगे। इसको 65 में छोड़ देंगे और सीमन लग चुका है इसको। सीमन लग चुका है। हाँ, सीमन लग चुका है। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया नस्ल। सर, इसके बारे में बताइए, क्या टांगा हुआ आपने? ये सर, जैसा कीट मक्खी मच्छर वगैरह, अच्छा, उसके लिए 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है ये। अच्छा, और 1 महीने तक काम करता है। 1 महीने तक? 1 महीने तक। अच्छा, कितने का आता है ये? 250 या 300 रुपये का लगभग पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब इसमें मक्खियाँ कैसे? मक्खियों को इसमें कुछ केमिकल टाइप इस तरह दिया, इसमें पानी डाला जाता है यहाँ तक। अच्छा अच्छा। और पानी डालने के बाद ये अपने आप मक्खियों को अपनी साइड को खींचता है। तो आपके फार्म में एक भी मक्खी नहीं दिखाई दे रही, इसका कारण है? ये इसी का कारण है सर। अच्छा, एक भी मक्खी नहीं है। किसान भाइयों देखिए, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ सर ने लगाया हुआ है मक्खी का, 300 रुपये का है, सर ने खरीदा है अमेजोन से। ठीक है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये, और यहाँ तक आपको इसमें पानी डालना है बस खाली, और पानी डालने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है 24 घंटे में। इसके बाद ये नर मादा सारी मक्खियों को पकड़ लेता है, 1 महीने में भर जाता है, 1 महीना इसकी वैलिडिटी है, 1 महीने के बाद इसको यूज़ करके आप फेंक सकते हैं। पूरा ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, कोई भी नुकसान इसका नहीं है जी। सर सर ये बताइए, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? इससे पहले क्या यूज़ सब चीज़ें यूज करके थक चुके थे, दवाइयाँ भी, देसी नुस्खे भी। हाँ। लेकिन मक्खियों वगैरह का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। स्प्रे करते थे, स्प्रे करते थे कीटनाशक वगैरह की, तो पशु बीमार होते थे। अच्छा। और वैसी मक्खियों वगैरह की लाते थे तो वो काम नहीं करती थी यहाँ पे। और ये सस्ता भी है। और ये सस्ता भी है। फिर हमने ये प्रोडक्ट एक भाई डेयरी वाले ने हमें बताया था कि यूज किया तो बहुत अच्छा है, अभी बल्कि हमने कल ही चेंज किया है। अच्छा, चलिए बताइए इसके बारे में। सर ये गाय एक थन से खराब है, मतलब एक थन नहीं है, 3 थनों का इसके नीचे 20 लीटर दूध है। 3 थनों का 20 लीटर दूध है। इसे हम 35 में छोड़ देंगे। अच्छा, अच्छा। और ये लगभग 2 महीने की ब्याई हुई है। इसके बारे में ये गाय फिलहाल निकाल रही है 25 लीटर दूध। 25 लीटर? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये तीसरे लैक्टेशन में है, तीसरे लैक्टेशन में ज्ञापन है, और लगभग 1 महीना सीमन लगे हुआ है। चलिए इसके बारे में बताइए। ये बछड़ी 4 दांत है जी, और ये दूसरी बार ब्याई है। पिछले ब्यांत में इसने दूध दिया है 27+, अब की बार उम्मीद कर रहे हैं हम इसकी 35+ की। अच्छा अच्छा। इसका क्या मांग रहे? इसकी डिमांड है जी 1,20,000। 1,20,000। इसके बारे में बताओ। ये गाय दूध दे रही है फिलहाल लगभग 28 लीटर। अच्छा, 28 लीटर दूध दे रही है, और दूसरे लैक्टेशन में है ये। इसके बहुत रिजनेबल प्राइस है, 62,000 रुपये। 62,000 जी। ये इसके बारे में बताओ। ये प्रेग्नेंट है सर, 6 महीने की, लगभग 14 लीटर दूध है इसके नीचे अभी भी। अभी हम इसका दूध छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि 7 महीना लग जाएगा इसको। अच्छा। 4 दांत बछड़ी है। अच्छा। और दूसरी बार प्रेग्नेंट है। इसके प्राइस फिलहाल के लिए हैं 55,000 रुपये। अच्छा, इसके बारे में बताओ। ये बछड़ी पहले लैक्टेशन में है। अच्छा अच्छा। कितना महीने की? ये लगभग ब्याई हुई होगी 2-2.5 महीने की। 2-2.5 महीने। 19 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, इसका क्या मांग? इसके 50,000 रुपये। अच्छा सर, अब हमें आप ये बताइए, कोई हमारी वीडियो के माध्यम से गुजरात का कस्टमर या पंजाब का कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है तो कम से कम कितनी गाय दोगे? 10 गाय का तो कम से कम होना चाहिए, 8-10 गाय तो होनी चाहिए। क्यों, क्या कारण है इसका? भाई देखो, गाड़ी तैयार करने में, ट्रांसपोर्ट में उन्हें भी मंदा पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उसमें उनका भी तो देखना है ना भाई, उनका खर्च ज़्यादा ना हो। अच्छा। और दूसरी बात भाई, हम डेयरी फार्म के काम से गुजर चुके हैं। किसान को अगर पशु ही महंगा मिलेगा जी जी, तो वो कैसे अपना प्रॉफिट निकाल पाएगा? अगर किसान हमसे गाय ले जाकर उसे सेल भी करता है तो कम से कम उसे 2-4 हज़ार रुपये तो बचने चाहिए ना। अच्छा, कोई आना चाहता है तो आ सकता है? आ सकता है, मिल सकता है, देख सकता है, सब सुविधाएं हैं, खाने पीने ठहरने की सब सुविधाएं होंगी। सब सुविधा। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। 9761040159। किसी भी प्रकार की गाय मिल जाएगी? कितनी भी? जितनी भी गाय चाहिए उतनी उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए उन्हें हमें कम से कम 10 दिन का टाइम, 10-20-50 दिन का टाइम देना होगा, और हर नस्ल की गाय हमने सुविधापूर्वक दिलवा देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने आपको कम से कम 40-50 गायें इस वीडियो के माध्यम से दिखाई। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गायें की पूरी गारंटी है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं और यहाँ आकर रहने खाने की पूरी सुविधा है, यहाँ आकर अपना मतलब संतुष्टि भी कर सकते हैं। ठीक है।